ब्राजील को पछाड़कर भारत कोविड 19 से दूसरा सर्वाधिक प्रभावित देश बन गया है। दैनिक मामलों में 90,802 की रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ कुल केस 42,04,613 हो गए हैं। ब्राजील में अब तक 41,37,552 मामले सामने आए हैं। भारत में कोविड 19 से मरने वालों की संख्या 71,642 हो गई है। टी सीरीज ने बोला, इंडिया मित्रों टकाटक ट्रेलर और जो सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर कानूनी नोटिस भेजा गया है और उन्होंने कंपनी के काम का इस्तेमाल ना करने की चेतावनी दी है। अर्जुन कपूर के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की घोषणा करने के एक दिन बाद उनकी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा खान ने कहा है कि उनकी भी कोविड 19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मलाइका ने कहा, आज मेरी कोविड 19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन बताना चाहती हूँ कि मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, मेरे अंदर लक्षण नहीं है, घर पर क्वारंटीन में रहूंगी। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस से जुड़े ड्रग मामले में रविवार को उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से 6 घंटे की पूछताछ के बाद सोमवार सुबह फिर से वे मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंची हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कथित ड्रग डीलर अर्जुन केशवानी को गिरफ्तार किया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए एक अन्य कथित ड्रग पेडलर से पूछताछ के दौरान केशवानी का नाम सामने आया है। केशवानी का नाम सामने आने के बाद एजेंसी ने मुंबई के बांद्रा में छापेमारी की है। गुजरात बीजेपी ने रविवार को शिवसेना सांसद संजय राउत पर अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान कहकर गुजरात को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए गुजरात के लोगों से माफी मांगने को कहा है। दरअसल राउत ने अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा मुंबई को मिनी पाकिस्तान कहने पर कहा था कि क्या उनमें यही बात अहमदाबाद को कहने का दम है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रमा के लिए भारत के मिशन चंद्रयान 3 के 2021 की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है। उन्होंने कहा, हालांकि चंद्रयान 2 के विपरीत इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा। गौरतलब है कि पिछले साल लॉन्च हुए चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई थी। डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने नस्लवाद पर कहा है, अमेरिका की वास्तविकता आज वही है जो हमने पीढ़ी दर पीढ़ी देखी है और स्पष्ट रूप से अमेरिका की स्थापना के बाद यहां न्याय की दो प्रणालियां हैं। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स के सवाल का जवाब देते हुए रविवार को बताया है कि अगर उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व नहीं किया होता तो वह शायद एक सफल आर्किटेक्ट बनने का प्रयास करते। अप्रैल में टाटा ने कहा था कि मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था क्योंकि वह मानवतावाद की गहरी भावना से जोड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत को सुरक्षा देने का फैसला किया है और इसको लेकर GDP का निर्देश दिया है। CM के अनुसार कंगना 9 सितंबर को मुंबई जाएगी तो वह चर्चा कर रहे हैं कि हिमाचल के बाहर सुरक्षा देने के लिए क्या किया जा सकता है। पुलिस ने बताया कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में 21 वर्षीय छात्र ने कथित तौर पर पबजी नहीं खेल पाने के कारण अपनी जान ले ली। पुलिस ने कहा, मृतक एक IIT छात्र अपने घर में लटका मिला। वही मृतक की मां ने कहा, मुझे लगता है उसने सुसाइड किया क्योंकि वह पबजी नहीं खेल पा रहा था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सुशांत की मौत के मामले में केंद्र और मीडिया 24 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चीन ने हमारी जमीन छोड़ दी, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन तक पहुंच गई, करोड़ों नौकरियां आ गई, स्वच्छ भारत डिजिटल स्क्रीन इंडिया सफल हो चुका है और देश में एक ही मुसीबत बाकी है, रिया का पूरा परिवार गिरफ्तार नहीं हुआ है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि लॉकडाउन के पहले दो चरण 25 मार्च से 3 मई के दौरान हवाई यात्रा के बुक कराए गए टिकटों का यात्रियों को पूरा भुगतान किया जाएगा। DGCA ने यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों टिकटों पर लागू होगा। 25 मई से घरेलू उड़ानें दोबारा शुरू हो गई हैं। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल नेटवर्क में बिना फेस मास्क के यात्रा करने वाले यात्रियों को 500 रुपए का जुर्माना देना होगा, साथ ही थूकते हुए पकड़े जाने पर 100 रुपए जुर्माना देना होगा। गौरतलब है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो 5 महीने के अंतराल के बाद सोमवार को फिर से चलने को तैयार है। IIT दिल्ली का नौकरी के लिए एक एड वायरल हुआ है जिसमें न्यूनतम योग्यता BA, BSc, BCom, BTech लिखी हुई है। इसके अनुसार डॉग हैंडलर को 45,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। वहीं IIT के डायरेक्टर ने कहा है कि ऐसा गलती से हुआ है
उन्हें वेटनरी साइंस में स्नातक चाहिए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 28 अगस्त को सप्ताह समाप्त के दौरान $3 अरब से बढ़कर $541 अरब के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पंजाब सरकार के मुताबिक कोविड-19 के 1,946 नए मामले मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 63,473 हो गई है। राज्य में रविवार को 54 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 1,862 हो गया है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि किशोर अवस्था से ही उन्होंने हर बड़ी और नई समस्या का सामना दो सवालों से शुरुआत करके किया है। बिल गेट्स ने कहा, ये दो सवाल हैं, कौन इस समस्या से अच्छी तरह से निपटना, और दूसरा सवाल उन्होंने बताया कि हम इस समस्या से क्या सीख सकते हैं। शोधकर्ताओं ने भविष्य के वी शेप प्लेन फ्लाइंग वी की टेस्ट फ्लाइट का पहली बार सफल संचालन किया है, जो एक दिन अपने विंग्स में यात्रियों को बैठाकर ले जा सकता है। इसके विंग्स में यात्री कैबिन फ्लू टैंक बनाया गया है। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण से मरे एक शख्स के शव को बदलने का मामला सामने आया है। मृतक के भाई ने बताया, उसकी मौत शुक्रवार को हो गई थी। हमें प्लास्टिक में बांधकर लाश दी गई, लेकिन नमाज के बाद अंतिम झलक के लिए चेहरा देखने पर यह एक महिला की लाश निकली। पुलिस ने अस्पताल पर FIR दर्ज की है।